पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? यू आर अ वेरी ऑनरेबल मेंबर ऑफ द हाउस। मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूँ गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। स्क्रीन पर अभी आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे जब वो सांसद थे, और वो कह रहे थे कि क्या ये सदन मुझे सुरक्षा दे पाएगा। वो काफी अंदर से भावुक थे, इतने भावुक थे कि संसद में उनके आंसू निकल गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आ जाता है योगी जी कि आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार में क्या बेटियां सुरक्षित हैं? क्या आपकी सरकार उन्हें सुरक्षा दे पा रही है? और आप इस चीज को क्यों नहीं समझ पा रहे जब आप उस समय इतने भावुक थे? आपने कहा था कि क्या ये सदन मुझे सुरक्षा दे पाएगा, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? यू आर अ वेरी ऑनरेबल मेंबर ऑफ द हाउस। मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूँ। आपको तो ये बात भली भांति समझनी चाहिए, लेकिन बेटियों के साथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जिस तरीके से मानव रूपी पिशाच बेटियों को इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, इस तरीके से उनके साथ घटनाएं हो रही हैं योगी जी, और ऐसे में उत्तर प्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके का रवैया वहां पर कर रही है, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है योगी जी आपके ऊपर। आपने कहा था उस समय कि मुझे राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैंने कई भ्रष्टाचार के मामले खोले इसलिए मुझे राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है। पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा, इसलिए मेरे खिलाफ महोदय। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब आपके साथ ऐसा हुआ और किसी एक आम नागरिक के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो योगी जी क्या आपका ये नैतिक दायित्व नहीं बनता कि जल्द से जल्द अपराधियों को जो है सजा दी जाए और इस तरीके से कोई कानून लाया जाए कि बेटियां सुरक्षित हों, बेटियां बेखौफ घूम सकें उत्तर प्रदेश के अंदर? लेकिन आपकी जो पुलिस है वो इस तरीके से व्यवहार वहां पर कर रही है कि मीडिया को अंदर नहीं आने दिया जा रहा। फालतू की बकवास आप कर रहे थे, आप कैमरे के सामने आप बोलिए ना। अगर आप अपनी जगह सही है, प्रशासन अपनी जगह सही है, तो योगी जी मीडिया से किस बात का डर है? क्यों खौफ खा रहे हैं पुलिस वाले? क्यों मीडिया के साथ बदसलूकी की जा रही है? आपकी सरकार दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में जो है शांति का माहौल है, अच्छा माहौल है, क्या ये अच्छा माहौल है? और इस तरीके की तानाशाही अगर उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है तो सवाल अपने आप खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार क्या छिपाने की कोशिश कर रही है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार नाकाम है बेटियों की सुरक्षा के लिए? क्या उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी है बेटियों की सुरक्षा के लिए? इस तरीके की घटना एक युवती के साथ होती है, उस तरीके से गलत व्यवहार होता है, अंतिम संस्कार जो है रात के समय कर दिया जाता है। योगी जी का प्रशासन इतना हिम्मत वाला हो गया कि यह सब ऊपर से बिना किसी के ऑर्डर आए उन्होंने अपने ही बलबूते कर लिया, या फिर डीएम और आईपीएस को सरकार के ही द्वारा निर्देशित किया गया था यह करने के लिए, इसीलिए किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की? ये सारे सवाल खड़े होते हैं उत्तर प्रदेश सरकार पर, और सरल टॉक यही कहेगा कि इस तरीके से जो व्यवहार मीडिया के साथ और जिस तरीके से बेटियां सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है योगी सरकार पर। हमारी इस आवाज को मजबूत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर इतना फैलाइए कि देश और देश की हर राज्य सरकार जहां पर युवतियां सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, उन सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंचे और सरकार को ऐसा कड़ा कानून लेकर के आए कि ये घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।